आईपीएल 2020 को स्टार्ट हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और यार इन 2 हफ्तों में बहुत कमाल कमाल के मैच हुए, जिनमें से एक मैच राजस्थान रॉयल वर्सेस पंजाब का था, जिसमें राजस्थान ने इस पूरे आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेस किया। राजस्थान ने 223 रन को चेस कर लिया था और इससे पहले वाला जो रिकॉर्ड था वो भी राजस्थान का ही था, जिसमें उन्होंने 216 रन चेस किए थे। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यार ये तो एक नॉर्मल सा फैक्ट था, लेकिन इस वीडियो में आगे बहुत इंटरेस्टिंग और कमाल कमाल के फैक्ट्स होने वाले हैं, तो बिना टाइम पास किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 2, जो आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो स्टार इंडिया नेटवर्क ने 2018 में 5 साल के लिए खरीद लिए थे 16,347 करोड़ से भी ज्यादा में। यार कैलकुलेशन के मुताबिक जो एक बॉल की टीवी पे दिखाने की कीमत है वो स्टार स्पोर्ट्स को 22,70,000 रुपए के आसपास पड़ती है। फैक्ट नंबर 3, एरोन फिंच एकमात्र ऐसे बाहर के खिलाड़ी है जिन्होंने आईपीएल में 7 अलग अलग टीमों की तरफ से खेला है। फैक्ट नंबर 5, तो यार मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ। आईपीएल 2011 और 18 में क्रिस गेल अनसोल्ड गए थे, मतलब उन्हें किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा था, और दोनों ही आईपीएल में वो दूसरे प्लेयर के रिप्लेसमेंट में आए थे, और 2011 में उन्होंने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी मारी थी और 2018 में दूसरे मैच में सेंचुरी मार दी थी। फैक्ट नंबर 6, तो यार आपने मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर अवार्ड के बारे में सुना होगा। ये आईपीएल के हर सीजन में किसी न किसी प्लेयर को दिया जाता है, और यार अभी तक 12 सीजन हो चुके हैं आईपीएल के कंप्लीट, लेकिन सिर्फ 2 ही इंडियंस को ये अवार्ड मिला है, सचिन तेंदुलकर को 2010 में और 2016 में विराट कोहली को। फैक्ट नंबर 7, तो यार पीयूष चावला के लिए आईपीएल 2020 की शुरुआत इतनी कुछ खास नहीं रही है, लेकिन पीयूष चावला के ऊपर एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है कि पीयूष चावला ने 386 ओवर्स बिना नो बॉल के डाले हैं। मतलब यार सोचो कितने सीजन तो इन्होंने नो बॉल डाली नहीं है। फैक्ट नंबर 8, तो यार ये वाला फैक्ट मैं आपसे क्वेश्चन की तरह पूछता हूँ, और अगर आपको इसका जवाब पता है तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताना, वो कौन 2 ओवरसीज मतलब बाहर के खिलाड़ी है जिन्होंने एक टीम की तरफ से 100 से भी ज्यादा मैच खेले, और ये रहा आपका हिंट। फैक्ट नंबर 9, तो यार विराट कोहली एक लौते ऐसे प्लेयर है जिन्होंने 3 डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप बनाई है, पहली क्रिस गेल के साथ 2012 में 204 रन की, दूसरी 2015 रन की एबीडी के साथ 2015 में, और तीसरी 229 रन की वो भी एबीडी के साथ 2016 में। फैक्ट नंबर 10, आरसीबी ने पूरे आईपीएल का सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट टोटल बनाया है, 2013 में 263 रन पुणे वॉरियर इंडिया के खिलाफ और 2017 में 49 रन केकेआर के खिलाफ। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है दिल्ली एक लौती ऐसी टीम है जिसने आज तक आईपीएल का एक भी फाइनल नहीं खेला है। फैक्ट नंबर 12, आईपीएल 2013 में सीएसके के खिलाफ ईशांत शर्मा ने 4 ओवर में 66 रन खाए थे, और यह अभी तक का सबसे महंगा स्पेल है पूरी आईपीएल हिस्ट्री का। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है डेविड वॉर्नर एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने 3 बार आईपीएल में ऑरेंज कैप जीता है। फैक्ट नंबर 14, ब्रैड हॉज सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी है जिन्होंने आईपीएल में खेला है, 2016 आईपीएल में ये 45 साल के थे जब इन्होंने अपना लास्ट मैच केकेआर की तरफ से खेला था। फैक्ट नंबर 15, डेविड वॉर्नर एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने पूरी आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरीज मारी है, जो कि है 46, और सेंचुरीज की बात की जाए तो उसमें नाम आता है क्रिस गेल का 6 सेंचुरीज के साथ, लेकिन विराट कोहली ने कभी भी ओवरटेक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 16, क्रिस गेल एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने पूरी आईपीएल हिस्ट्री में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर बनाया है, आईपीएल 2013 में पुणे वॉरियर के अगेंस्ट इन्होंने 175 रन बनाए थे, वो भी सिर्फ 66 बॉल्स में। और बात करें कौन सा ऐसा प्लेयर है जो सबसे ज्यादा बार जीरो पे आउट हुआ है, तो वो है हरभजन सिंह, वो टोटल 13 बार जीरो पे आउट हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 17, तो यार ये फैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि सीएसके एक ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल्स खेले हैं, जो कि है 8 बार, जिसमें से 3 बार वो जीती और 5 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 18, तो यार सीएसके की बात चली रही है तो सीएसके के ऊपर एक और फैक्ट है कि वो आज तक जितने भी आईपीएल खेली है उन सभी आईपीएल में क्वालिफाई हुई है, और हाँ इन्होंने अभी तक अपना कैप्टन एक बार भी नहीं बदला है। फैक्ट नंबर 19, तो यार सभी को पता है कि विराट कोहली ने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, फिलहाल तो उनके 5,500 से भी ज्यादा रन है, लेकिन क्या आपको पता है कि लसित मलिंगा ने पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, जो कि है 170।
फैक्ट नंबर 20, केकेआर एक ऐसी टीम है जिसने लगातार 9 मैच जीते हैं बिना किसी हार के 2014 में। और बात करें बिल्कुल इसके उल्टे में तो दिल्ली डेयरडेविल्स और पुणे वॉरियर इंडिया के ऊपर एक ऐसा रिकॉर्ड है कि वो लगातार 9 बार हारी है, वो भी सिंगल सीजन में, मतलब बिना किसी जीत के लगातार 9 बार हारी है। तो यार जो लास्ट फैक्ट है उसे फन फैक्ट रखते हैं, और पहले ही कह दूं मैं यार, आप कोई भी ऑफेंड मत होना, कोई भी बुरा मत लगाना, मैं पहले ही सॉरी कह दूं अगर आपको बुरा लगे तो। और ये सिर्फ एक मजाक है कि विराट कोहली पंजाबी है, दिल्ली में उनका जन्म हुआ है और वो खेलते हैं बेंगलोर की तरफ से, और एक बार भी इन तीनों में से कोई सी भी टीम आईपीएल नहीं जीती है। और यार ये सिर्फ 2019 के रिजल्ट तक का है, 2020 में क्या होगा और आगे क्या होगा किसी को भी नहीं पता, और प्लीज कोई भी बुरा मत लगा, सिर्फ एक मजाक था। और हाँ, मेरी फेवरेट टीम तो चेन्नई सुपर किंग्स से, आपकी कौन सी नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और रुको रुको, दो सवाल के और जवाब देके जाओ। पहली बात तो ये, आपको इनमें से कौन कौन से फैक्ट पता थे वो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और दूसरी बात ये कि यार इनमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं आगे जाके, तो वो कौन कौन से चेंजेस आए हैं वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना, मुझे भी और बाकी जनता को भी। अगर आप ये वीडियो 2020 आईपीएल के बाद या 2021 आईपीएल के बाद देख रहे हैं तो यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो यार आपके क्रेजी क्रिकेट फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, और आपको क्या गलती लगी इस वीडियो में, कुछ सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अभी तक पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब की भी ना कहीं मत जाना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।